अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज विकास फ्रॉम ट्रू टेक अफेयर्स। और दोस्तों आज की इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूं वीवो के Y81 के बारे में कि आपको क्यों इस मोबाइल फोन को खरीदना चाहिए और क्यों इस मोबाइल फोन को नहीं खरीदना चाहिए। अब दोस्तों यहां पर मैं आपको एक चीज क्लियर करता चलूं कि आज से पहले या आज से कुछ देर पहले से पहले जो है वो इस चीज को काफी हद तक क्लियरली समझा जाता था कि वीवो या ओप्पो या इस तरह की जो बाकी वन प्लस वगैरह चाइनीज कंपनीज हैं, ये बेसिकली जो है वो उस क्वालिटी की जो है वो प्रोडक्ट हमें नहीं प्रोवाइड करती है जिस तरह हमें एप्पल या सैमसंग की तरफ से देखने को मिलती है। और यही समझा जाता था कि बेसिकली ये मोबाइल फोन कंपनीज जो है वो काफी हद तक कॉपी करती हैं एप्पल की प्रोडक्ट्स को, सैमसंग की प्रोडक्ट्स को। लेकिन दोस्तों अभी हाल ही में कुछ देर पहले ही वीवो के X21 के रिलीज के बाद जो है एक चीज तो काफी हद तक क्लियर हो चुकी है और काफी लोगों को इस चीज का एहसास हो चुका है कि अब हमें वीवो में जो है वो इनोवेशन देखने को मिल सकती है, अब हमें ओप्पो में भी जो है वो इनोवेशन देखने को मिल सकती है। वीवो के X21 की अगर बात करूँ तो वहां पर इन स्क्रीन जो है फिंगरप्रिंट स्कैनर ने जो है वो काफी हद तक हर किसी को चौंका दिया और ऐसा आइडियाज तो थे पहले भी काफी ज्यादा कंपनीज के पास, लेकिन किसी को भी एक्सपेक्टेड नहीं था कि वीवो भी इस तरह की टेक्नोलॉजी जो है वो लेकर के आ सकता है। इसी तरह ओप्पो के फाइंड एक्स की अगर बात करूँ तो वहां पर भी आपको एक जो है न्यूली डिजाइन देखने को मिलता है जो कि आपको किसी भी दूसरी कंपनी में अभी तक देखने को नहीं मिल रहा है। तो अब दोस्तों यहां पर कुछ ऐसी कोशिश की गई है वीवो के Y81 में जहां पर कुछ काफी हद तक कम प्राइस रखकर भी आपको जो है वो नॉच वाला डिस्प्ले प्रोवाइड करने की कोशिश की गई है। दोस्तों 6.2 इंच की यहां पर आपको जो है वो स्क्रीन देखने को मिलेगी और हालांकि ये स्क्रीन जो है वो 720p स्क्रीन है, फुल एचडी स्क्रीन देखने को यहां पर आपको नहीं मिलती है, लेकिन फिर भी ये मोबाइल फोन जो है वो ऐसे लोगों के लिए काफी अच्छी चॉइस रहने वाला है जो कि कोशिश कर रहे थे आईफोन की कॉपी यानी कि iPhone 10 की तरह का डिस्प्ले जो है वो अपने हाथ में देखने को। और ऐसे में काफी लोग जो है ज्यादा पैसे भी खर्च कर रहे हैं वीवो के V9, Huawei के P20 Lite और Oppo के F7 की अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो मेन सेलिंग रीजन है वो है इनका नॉच वाला डिस्प्ले। तो यहाँ पर दोस्तों वीवो ने आपको काफी कम प्राइस में जो है वो नॉच वाला डिस्प्ले तो दे दिया है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर वीवो ने काफी ज्यादा चीजों को जो है वो कट डाउन किया है। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ इस मोबाइल फोन की तो यहाँ पर आपको सिर्फ जो है वो नॉच वाला डिस्प्ले ही देखने को मिलेगा। इसमें एक अच्छी चीज जो है वो यही है कि यहाँ पर आपको नॉच वाला डिस्प्ले मिलेगा और इसके अलावा जो है वो आपको इस मोबाइल फोन में काफी ज्यादा कमियां देखने को मिलती हैं। दोस्तों यहाँ पर बात करता हूँ सबसे पहली कमी की, तो सरप्राइजिंगली 24,000 रुपए की प्राइस में आपको ये वाला मोबाइल फोन मिल रहा है और यहां पर आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर तक नहीं मिलता है। दोस्तों फिंगरप्रिंट स्कैनर की अगर मैं बात करूं तो आज की डेट में फिंगरप्रिंट स्कैनर 24,000 रुपए की प्राइस रेंज में किसी मोबाइल फोन में ना दिया जाना काफी हद तक शॉकिंग है। और अगर बात की जाए फिंगरप्रिंट स्कैनर की तो इससे काफी कम प्राइस रेंज में आपको ऑलमोस्ट जो है वो काफी ज्यादा मोबाइल फोन ऐसे देखने को मिल जाएंगे मार्केट में जहां पर आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर जो है लाजमी देखने को मिलेगा इससे कम प्राइस रेंज में भी। और दोस्तों इसके अलावा अगर बात की जाए इस मोबाइल फोन के कैमराज की तो यहां पर आपको बैक कैमरा मिलता है 13 मेगापिक्सल का, फ्रंट पर आपको मिलता है 5 मेगापिक्सल का कैमरा। लेकिन दोस्तों यहां पर जो आपको अपर्चर मिलता है इन दोनों कैमरास में मिलता है F2.2 का, फ्रंट में भी आपको F2.2 का अपर्चर मिलेगा और बैक कैमरा में भी आपको F2.2 का अपर्चर मिलेगा। इट मींस के यहां पर लो लाइट में आपकी जो परफॉर्मेंस है कैमरा की वो बिल्कुल घटिया होने वाली है। 2.2 का अपर्चर काफी लो अपर्चर है और आपके बैक कैमरा में भी आपको बहुत अच्छी परफॉर्मेंस नहीं मिलने वाली है और ना ही फ्रंट कैमरा में। अगर लो लाइट की आप बात करें तो यहां पर आप बहुत अच्छी जो है वो सेल्फी या बहुत अच्छी जो है फोटोग्राफी नहीं कर सकते हैं ऑन पेपर, तो इस मोबाइल फोन में यही देखने को मिल रहा है। लेकिन दोस्तों वहीं पर अगर बात की जाए इससे कम प्राइस रेंज में तो आपको Huawei का Y7 Prime 2018 की अगर मैं बात करूं जो कि 20,000 रुपए की प्राइस रेंज में पाकिस्तान में बिक रहा है, वहां पर आपको ना सिर्फ ड्यूअल कैमरा सेंसर जो है देखने को मिल जाता है उसके बैक पर बल्कि इसके साथ साथ आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर भी मिल जाएगा। तो यहां पर इस मोबाइल फोन में ये दोनों चीजें जो है वो काफी हद तक कट डाउन है। और दोस्तों इसके अलावा यहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर मैं बात करूं इस मोबाइल फोन की परफॉर्मेंस की, दोस्तों इस मोबाइल फोन में आपको जो चिपसेट मिलेगा वो आपको मिलेगा मीडिया टेक का हेलियो P22। अब दोस्तों यहां पर ये चिपसेट एक तो पुराना चिपसेट है और इसके अलावा मीडिया टेक का चिपसेट है और इससे काफी कम प्राइस रेंज में हमें स्नैपड्रैगन के चिपसेट जो है हमें देखने को मिल रहे हैं। स्नैपड्रैगन 625 भी हमें जो है वो इससे काफी कम प्राइस रेंज में जो है दूसरी कंपनीज की तरफ से देखने को मिल रहा है। दोस्तों अगर तो आपको ये मोबाइल फोन खरीदना है तो यहां पर आपको अगर बात की जाए परफॉर्मेंस की तो कैजुअल परफॉर्मेंस तो आपको मिल ही जाएगी, लेकिन अगर आप करते हैं अपने मोबाइल फोन में कुछ हाई एंड की गेमिंग या वीडियो रेंडरिंग तो फिर ये मोबाइल फोन आपके लिए नहीं है। तो इन शॉर्ट अगर मैं कहूं तो यहां पर इस मोबाइल फोन में डिस्प्ले के अलावा कुछ नहीं है। तो अगर आप इस मोबाइल फोन से एक्सपेक्ट करते हैं डिस्प्ले के अलावा कुछ भी तो ये आपकी जो है वो जस्ट मिसकंसेप्शन होगी। और यहां पर अगर आपको इस मोबाइल फोन को खरीदना है तो स्क्रीन के अलावा आपको इस मोबाइल फोन में कुछ भी नहीं मिलेगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आई होगी पसंद और रही होगी आपके लिए हेल्पफुल। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए क्योंकि हम आपके लिए टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोज लेकर आते ही रहते हैं। और दोस्तों मिलता हूं आपको अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।